लोगों का यही कह रहे हैं कि जो आबकारी नीति थी उसका ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांग आप लोग? देखिए, दो टूक में बात खत्म है, ठीक है। सीबीआई ने एफआईआर में पहला अक्यूज बनाया है शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री को। हमारी सीधी सी बात है, इस्तीफा चाहिए, क्लियर इस्तीफा चाहिए, नो इफ नो बट ओनली इस्तीफा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फायदे की नीति थी इससे दिल्ली से। क्या फायदे की नीति थी? जगह जगह दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, एक जोन में दो से ज्यादा आपने एक टेंडर खुलवा दिए, टेंडर भी उनको दिए जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी, शर्म नहीं आ रही? और 140 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस किस आधार पर माफ करिए, कहां से हक दिया आपको? अच्छा जतिन, एक सवाल जरा इनसे पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का यह कहना है, स्कूलों के नजदीक बार खुले, कॉलेजों के पास खुले, मंदिर मस्जिद के नजदीक आपने दुकानें खोली। जतिन, ये पूछ लीजिए सवाल कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो केंद्र सरकार है बीजेपी जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई कर रही है। सर, कितना मतलब पानी गंदा और एमसीडी सब तो भ्रष्ट है, और आप कह रहे हो कि लोगों की फायदा और शिक्षा का हाल देखे ना आप भी।